सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेटवर्क दोस्तों आज हम टाइप ऑफ सैंपलिंग करने वाले हैं रिसर्च के अंदर ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है और उसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे दोस्तों हमने एनडीए UGC नेट दिसंबर दो हजार उन्नीस एग्जाम के लिए एक पेड WhatsApp ग्रुप बनाया है इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी सुबह की जो वीडियो होगी वो थियोटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे इस ग्रुप में आपको दोस्तों दस यूनिट के पी स्टडी नोट्स दिए जाएंगे इसके अलावा आपको दो से लेकर दो तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर पी दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की पी दी जाएगी तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है वट इज़ सैम्पलिंग इन ए रिसर्च टर्म ए सैंपल इज ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑब्जेक्ट्स और आइटम दैट आर टेकन फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन फॉर मेजरमेंट अब देखिए इसे हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि सैंपलिंग क्या होती है सैम्पलिंग एक लोगों का ग्रुप हो सकता है या फिर किसी चीज़ का समूह हो सकता है जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से लिया जाता है और इसे देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब मान के चलते कि एक गांव के अंदर पढ़े लिखे एक हज़ार लोग हैं ठीक है ये पढ़े लिखे हुए हज़ार लोग हैं और हमें ये देखना है कि इनके अंदर जो पढ़े हुए लोग हैं उनके अंदर दहेज के प्रति उनकी क्या सोच है तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हर एक इंसान से जा के मिलेंगे हम क्या करेंगे कि उन एक हज़ार लोगों में से हम साठ से सत्तर लोग या सौ लोग इकट्ठा करेंगे यानी कि कुछ चुनिंदा लोग लेंगे हम और उनसे राय जानेंगे कि आपकी दहेज के प्रति क्या राय है ठीक है तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग लेते हैं यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है टोटल पॉपुलेशन में से हम कुछ चुनिंदा लोगों को लेते हैं सैम्पल के रूप में उनकी राय जानने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं सैंपलिंग कहते हैं और आगे हम देखते हैं कि सैम्पलिंग रिसर्च में कितने प्रकार की होती है और किस तरह से ये यूज होती है अब देखिए टाइप ऑफ सैम्पलिंग सैम्पलिंग रिसर्च के अंदर मुख्य रूप से दो तरह की होती है एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैं आपको बताऊँ तो जैसे हमने फिफ्थ क्लास से लेके हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे कि एक एक थैला है थैले के अंदर दस बॉल रखी हुई है ठीक है उसके अंदर लाल भी है नीली भी है और पीली भी है उसमें से हमें चार बॉल निकालनी है तो नीली होने की संभावना क्या होगी तो वो इस तरह के सवाल करते थे तो आपको शायद पता होगा प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में ठीक है और नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ अब देखिए हम इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि क्लास में लॉटरी तरीके से बच्चों का सिलेक्शन करना है मान के चलते कि एक कंपटीशन है और उसके अंदर हमें बच्चे चाहिए अपनी क्लास में से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अब तीस बच्चे हैं अब हम किसी अगर डायरेक्टली किसी एक बच्चे को लेंगे या चार पाँच बच्चों को लेंगे तो दूसरे बच्चे हैं वो हो सकता है नाराज़ हो जाए कि हमें नहीं लिया तो हम क्या करेंगे कि एक लॉटरी सिस्टम बनाएंगे और हम कहेंगे कि इसमें जिसका भी नंबर आएगा जैसे पर्ची रख देंगे एक डिब्बे के अंदर तीस पर्चियाँ रख दी और उसमें कहेंगे भाई जो भी पाँच पर्चियाँ निकलेगी जिसके भी नाम की और उसे हम लेके जाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों लॉटरी सिस्टम कहते हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं इसके इसमें दोस्तों सभी को इक्वल चांस होते हैं सैंपल बनने के ठीक है यहाँ पे आप इंग्लिश में इसमें पढ़ सकते हैं अब देखिए अगली आती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अब ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की विपरीत है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों जो हम सैंपल इकट्ठा करते हैं वो कहीं ना कहीं कहीं अपनी मर्जी के अनुसार सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं होती सभी बच्चों के शामिल होने की जो संभावना है वो एक जैसी नहीं होती जैसे कि हम दोबारा फिर एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके अंदर हमें बच्चों का सिलेक्शन करना है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते कि जो बच्चा साइंस के अंदर और मैथ के अंदर ज़्यादा होशियार है ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं उस बच्चे को हम लेंगे ठीक है तो क्लास में सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन बच्चों के साइंस में और मैथ में ज़्यादा नंबर आते हैं तो उनको हम अलग से निकालेंगे तो ये क्या होगी दोस्तों ये हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी इसके अंदर हमने डिसाइड किया कि हमें कौन से बच्चे लेने हैं और आगे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी में किस किस तरह के टाइप होते हैं अब देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले आता है हमारा रैंडम सैंपलिंग आता है रैंडम सैम्पलिंग मैंने बताया दोस्तों हम इसमें रैंडम तरीके से सुनते चुनते हैं जैसे कि वही कि तीस बच्चों की क्लास है और तीस में से हमें कोई पाँच बच्चे लेने हैं तो हमने कोई भी पाँच बच्चे उठा लिए बगैर कुछ देखे भाई इसे कितना आता है और कितना नहीं आता है। ये काला है या गोरा है कैसा है लड़का है लड़की है कोई कुछ भी हमने नहीं देखा बस सीधे उनको उठा लिया और आगे देखते हैं हम आगे क्या आता है आगे आता है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आता है अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम डिसाइड कर देते हैं भाई जो हमारे पास पचास बच्चे उसमें से हर पाँचवा बच्चा हम लेंगे और वो पाँचवा बच्चा हमें नहीं पता लड़का है लड़की है और कौन है कैसे है हमें नहीं पता हमने एक सिस्टम डिसाइड कर दिया कि हर पाँचवा दसवां पंद्रवा बीसवां यानी कि पाँच पाँच बच्चे छोड़ के हम बच्चा लेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यानी कि उसके अंदर हमने एक सिस्टम बना दिया आगे आते हैं दोस्तों हमारे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग अब इसके अंदर देखिए दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और ये थोड़ा सा अलग है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इस सैंपलिंग के अंदर सबसे पहले पूरी पॉपुलेशन में से अलग अलग सहजातीय होमोजेनियस होमोजीनियस ग्रुप बनाए जाते हैं और उन ग्रुप में से हम सैम्पल लेते हैं अब देखिए इसका मतलब क्या है इस अब देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मान के चलते कि 900 लोगों की जनसंख्या है ठीक है और हमें कुछ इस पर एक्सपेरिमेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें 300-300 लोगों का जो ग्रुप है वो अलग बना देंगे इसमें सबसे पहले जो बच्चे हैं 18 साल तक के उनको हमने अलग बना दिया अलग ग्रुप कर दिया उसके बाद में जो आ, 18 साल से ज़्यादा के आदमी हैं उनका हमने अलग बना दिया और फिर जो महिलाएं हैं महिलाओं का ग्रुप हमने अलग बना दिया यानी कि हो होमोजीनियस क्या होता है दोस्तों जो एक जैसे होते हैं ठीक है उन्हें हम क्या कहते हैं होमोजीनियस कहते हैं और हिट्रोजीनियस कहते हैं जो अलग अलग होते हैं यानी कि उनके जो गुण वगैरह है वो अलग हो तो यहाँ पे जो अठारह साल तक के बच्चे उनको अलग कर दिया हमने और जो आदमी है अठारह साल से ऊपर के वो हमने अलग कर दिए और जो महिलाएं हैं उनको हमने अलग कर दिया ठीक है और अब देखिए अब इनमें से जो सैंपल है वो फिर हम आ, जो बच्चे हैं उनमें से रैंडम तरीके से सेलेक्ट करते हैं जो आदमी हैं उनमें से अलग और जो महिला है उनमें से अलग तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप इंग्लिश हिंदी में भी ये पढ़ सकते हैं और दोस्तों अगर आपको ये पी चाहिए तो आप पी ले सकते हैं आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छे से क्लासेज दी जा रही हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे आते हैं हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग अब देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है इस सैम्पलिंग के अंदर पूरी पॉपुलेशन पहले से ही छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड होती है जिन्हें क्लस्टर बोला जाता है अब इन क्लस्टर में से रैंडम तरीके से सैम्पल लिया जाता है इनका नेचर भी जाते यानी कि हिट्रोजीनियस होता है अब देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो ऑलरेडी छोटे छोटे ग्रुप के अंदर डिवाइड होती है और फिर उन ग्रुप्स में से हम रैंडम तरीके से सैंपल इकट्ठा करते हैं अब देखिए इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लें जैसे गांव में जाएंगे तो गांव में प्लेइंग कार्ड यानी कि ताश खेलने वाले हमें एक टोली मिलेगी जगह जगह टोली मिलेगी ठीक है तो ये हम मान लेते हैं कि एक गाँव के अंदर छः छः टोली बनी हुई है जो ताश खेलने वालों की और अब देखिए जो ताश खेल रहे हैं उसके अंदर सभी अलग अलग लोग होंगे ना कोई खेत में, खेत में काम कर रहा होगा कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा कोई कुछ कर रहा होगा ठीक है तो वो सभी अलग अलग होंगे उनकी उम्र भी अलग अलग हो सकती है यानी कि वो क्या हो गए वो हो गए हमारे हिटरोजीनियस हो गए यानी कि सभी के जो गुण हैं वो अलग अलग है अब उन सभी अलग अलग, अलग गुण के जो ग्रुप है उनमें से हम रैंडम तरीके से कोई भी दो जो ग्रुप है वो उठा लेते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों क्लस्टर सैम्पलिंग कहेंगे ठीक है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास क्या है आगे आता है दोस्तों हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक चीज़ और दोस्तों अगर आपको कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए और आगे देखते हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अब देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है इसके देखिए इसके अंदर सैंपल के चुनने की जो संभावना है वो एक जैसी नहीं होती अब देखिए सबसे पहले जो हमारी सैंपलिंग आती है इसके अंदर कन्वीनियंस सैंपलिंग आती है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल को चुनना इस सैंपल के अंदर आता है अब देखिए इसके अंदर क्या होता है अब हम मान के चलते हैं कि गांव के अंदर जो महिलाएं हैं तो उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और वो उन अत्याचार के ख़िलाफ़ क्या कर रही है इसके लिए हमें एक रिसर्च करनी है तो दो तरीके हो सकते हैं या तो फिर हम घर घर जाके यानी कि दस घरों में एक घर में जाके आ, हम उन महिलाओं से बात करें या फिर हम डिसाइड कर लेते हैं भाई ना हम मंदिर के अंदर जाएंगे ठीक है मंदिर के अंदर चले गए शाम को और वहीं पे जो बीस महिलाएं आएंगी उन्हीं से हम बात कर लेंगे हम घर घर नहीं जाएंगे यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखी अपनी सुविधा देखी ठीक है यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार जो सैंपलिंग की जाती है उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं देखिए अगली आते हैं हमारे पास कोटा सैम्पलिंग अब देखिए कोटा सैंपलिंग के अंदर क्या होता है हम पहले से ही कोटा निर्धारित कर देते हैं कि कौन सा सैंपल कितना लेना है ठीक है जैसे कि हम इसके अंदर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें एक रिसर्च करने उसमें हमें पता करना है कि जो बच्चे और महिलाएं हैं उनको कंप्यूटर का कितना ज्ञान है तो इसमें हम पहले ही डिसाइड करते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें हम केवल प्रति तीस प्रतिशत महिलाओं को शामिल करेंगे और जो बच्चे हैं उनको हम सत्तर प्रतिशत शामिल करेंगे ठीक है यानी कि इसमें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं भाई जो महिलाएँ हैं वो कितनी होगी और जो बच्चे हैं वो कितने होंगे और अगली आती है दोस्तों हमारे पास स्नोबॉल सैंपलिंग अब देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब क्या होता है अब देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है स्नोबॉल यानी कि जो बर्फ़ का गोला होता है जब उसे बर्फीले इलाके में फेंका जाता है तो तो क्या होता है कि उस बर्फ़ के साथ और भी बर्फ़ मिलती हुई चली जाती है देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम मान के चलते हैं कि एक गांव के अंदर गए हमें वहां पर नशा करने वाले युवाओं के बारे में जानना है कि कितने जो लड़के हैं वो नशा करते हैं और उनके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ा है अब देखिए हम किसी के पास जाएंगे तो वो डायरेक्टली तो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं नशा करता हूँ मेरे पे ये इफ़ेक्ट पड़ा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों एक बंदे के पास जाएंगे जो नशा करता है और जिस पे हमें और उसको हम पे विश्वास है ठीक है हम उसके पास जाएंगे और उससे पता करेंगे कि तेरे गांव के अंदर कितने लोग कितने लड़के हैं जो नशा करते हैं ठीक है और उसी से हम जानेंगे कि कितने लोग नशा करते हैं उनमें से कितने लोगों की जो सेहत है वो ख़राब हो गई कितने और कितने युवाओं हैं उनका कैरियर ख़राब हो गया तो यानी कि एक ही व्यक्ति से काफ़ी लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं और यहाँ पे मैंने हिंदी में एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इंग्लिश में भी दे रखा है आप ये पढ़ लेना और आगे आती है दोस्तों हमारे पास जजमेंटल सैम्पलिंग अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह की सैंपलिंग में हम सैंपल को पहले अच्छे से जज करते हैं उसके बाद ही सैंपल को सिलेक्ट करते हैं अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो हम सैंपल लेने वाले हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि इसे नॉलेज है या नहीं ये हमारी रिसर्च के लायक है या नहीं यानी कि पूरी तरीके से उसको हम जज करते हैं और उसके बाद हम उस सैंपल को अपनी रिसर्च के अंदर लेते हैं तो इसे हम कहते हैं जजमेंटल सैंपलिंग कहते हैं तो दोस्तों ये हमारी मुख्य रूप से प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स थे और इनमें से क्वेश्चन काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं शाम शाम की जो वीडियो होगी दोस्तों वो हमारी इसी के ऊपर होगी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें थैंक यू दोस्तों